नमस्कार, स्वागत है आप सबका डिजिटल खबरीलाल में। आज आप सोशल मीडिया खोले, न्यूज खोले, फेसबुक खोले, व्हाट्सएप खोले, हर जगह आपको एक नाम जरूर सुनाई देगा, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। जी हाँ, आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत सारे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुभ सूचना की जा रही है। लेकिन जो वंदे भारत चल रहे हैं उनमें अभी कैसी सुविधाएं मिल रही है, कैसी सेवाएं मिल रही है, खाने की क्वालिटी कैसी है, ट्रेन की टाइमिंग कितनी है, स्पीड कितनी है, सब हम आज आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े रहें डिजिटल खबरीलाल में, क्योंकि आज मैं न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़े का सफर करने जा रहा हूँ वंदे भारत में। ठीक 3:05 में ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी और मैं 10 के आसपास पहुँचूंगा हावड़े। तो चलिए इस जर्नी को आप सबके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह फूड क्वालिटी है, किस तरह की सर्विसेज है इसके टीम के द्वारा और IRCTC ने कितनी मेहनत की है अपने यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए। तो चलिए डिजिटल खबरीलाल में चलते हैं, वंदे भारत में सफर करते हैं। और मेरा कोच नंबर है C8 में हम सफर करेंगे। ये मेरा कोच है C8 और टोटली ऑटोमेटिक गेट है जो कि अभी खुली हुई है। जैसे ही 3:05 हो गए ये गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। फास्ट सर्किट की भी सुविधा उपलब्ध है। ऑल क्लोज्ड द डोर और उससे पहले वार्निंग भी दी जाती है। आप देख सकते हैं कि सारा दरवाजा बंद हो गए हैं और ये बहुत ही स्पेसियस है वॉशरूम एंड फूड्स के लिए, सब कुछ रखने के लिए। और एकदम 3:05 में ऑन टाइम डोर क्लोज हो गए हैं। अब नाउ खुलने का भी ट्रेन का टाइम हो गया है। जो भी लोग अंदर हैं इन्हीं को छोड़ने आते हैं तो उनके लिए वार्निंग मैसेज पहले दे दिया जाता है। और अंदर जाने के लिए बस आपको ये बटन प्रेस करना है, बटन प्रेस करते ही खुल जाएगी और ये है व्यू अंदर का। पेपर भी मिलता है हिंदी, हाँ, और तुरंत अखबार भी आ गया ताकि आप न्यूज़ पढ़ सकें। और मैंने फिलहाल प्रभात खबर लिया है, हिंदी मैंने चूज़ करा। अब चलिए पढ़ते हैं पेपर और सफ़र का लेते हैं मज़ा इन वंदे भारत। ट्रैवल करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वॉशरूम कैसा है, जहाँ पर जाकर आपको हाथ भी धोने पड़ते हैं और प्लस माइनस भी करना होता है। तो चलिए वॉशरूम के टूर कराता हूँ आपको वंदे भारत की। तो ये सबसे पहले हमें मिल जाता है एयर ड्रायर, ये अभी वर्किंग मुझे लगा वर्क नहीं करता होगा। और ये है पूरा बेसिन, यहाँ पर मिलता है हमें हैंड वॉश। दो तरह के शौचालय होते हैं, इंडियन एंड वेस्टर्न। स्मोकिंग नॉट अलाउड, ओके। और ये हमारे फायर फाइट्स के लिए है, यहाँ पे फ्लश मिल जाता है। ये अपने पास स्प्रे जेट है और ये फिलहाल मैं इंडियन में आप लोगों को मैंने कराया यहाँ पे। दिस इज इकोनॉमिक क्लास बैठा है। यहाँ पर खाना गरम करने के लिए हॉट केस भी है, उसमें खाना ताज़ा फ्रेश गरम रहेगा। तो फिलहाल डिजिटल खबरीलाल में मैं सफ़र करते करते पहुँच चुका हूँ मालदा स्टेशन। बहुत ही बेहतरीन सफ़र है, पर स्पीड जो है अभी तक मैंने जो भी अपने स्पीडोमीटर पे चेक किया मैक्सिमम 120 तक ही गई है। पर सफ़र आरामदायक है, अखबार हो, चाय हो, नाश्ता हो, खाना हो, हर कुछ टाइम टू टाइम मिल रहा है। अभी कुछ देर के बाद डिनर भी सर्व करे जाएगा, मैं अपनी क्वालिटी भी बताऊंगा। इसी तरह डिजिटल खबरीलाल के साथ आज सब वंदे भारत का सफ़र करें मेरे रोहित के साथ, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो है अब भारत के हर कोने में दौड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल में भी कई वंदे भारत ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं, तो एक वंदे भारत के सफ़र आप सब कर रहे हैं डिजिटल खबरीलाल के साथ। फूड इज एवरेज, एवरेज फूड, नो गुड प्लेसेस ऑफ चिकन, नॉट सो मच वेजिटेबल्स ऑन एवरेज। हाईएस्ट स्पीड अभी रिकॉर्ड हुई है 128
128 किलोमीटर पर आवर हाईएस्ट एनजीबी से अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हाईएस्ट मैंने देखा अभी तक। ओके सो डिजिटल खबरीलाल के साथ आप सब ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और जाना और पहचाना। अगर मुझसे आपने ओवरऑल व्यू पूछे कि मेरा सफर कैसा रहा तो मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक था, जैसे ट्रेन होता है वैसे ही था। 10:35 इसका हावड़ा पहुँचाने का टाइम था, पहुँचाया है 11:05 में, आधे घंटे लेट पहुँचाइए। खाना सोसो था, जिस तरह राजधानी शताब्दी मिलता वैसे ही था। वंदे भारत का बाहर का लुक बहुत ही धमाकेदार है, अंदर राजधानी से मिलता है, शताब्दी से मिलता है। बाथरूम स्पेसियस है, अच्छा है, एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्रैवल करें और नया अनुभव लें विथ डिजिटल खबरीलाल। तो डिजिटल खबरीलाल के साथ आप सब ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र किया डिजिटल खबरीलाल रोहित के साथ। इसी तरह डिजिटल खबरीलाल चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें और घूमते रहें हम सबके साथ हमेशा।